देखिए, आवाज आ रही है? अब आ रही है ना आवाज? चलिए देखिए, जो अपना चैप्टर था द इंटरव्यू, तो द इंटरव्यू किसने लिखा था? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। अभी जो द इंटरव्यू था, इस चैप्टर में क्या था, इंटरव्यू के बारे में पॉजिटिव व्यू या फिर नेगेटिव व्यू, जैसा जिसको बेहतर लगा उसने अपने विचार सामने रखे। जिनको इंटरव्यू पॉजिटिव लगा कि ठीक लगा, इंटरव्यू होना चाहिए, फेस भी होना चाहिए, तो इंटरव्यू ठीक है। कुछ लोगों को लगा कि इंटरव्यू जैसी प्रक्रिया जो होती है वो अपराध है, ठीक है ना, अनुचित हस्तक्षेप जैसा है, तो ये लोगों के एक जीवन का हिस्सा खत्म कर देता है, उनके सीक्रेट खत्म कर देता है, असहज महसूस कराता है, तो उन लोगों ने इसको क्या माना, नेगेटिव भी माना। अब सीधी सीधी सी बात कह सकते हैं, जिसके जैसी सोच या उसके जैसे विचार उसने अपने विचार के हिसाब से अपने तर्क दिए, तो अब अपन उसी टॉपिक से यानी चैप्टर से क्या पढ़ेंगे, अनसीन और पैसेजेस। क्या पढ़ेंगे? अनसीन और पैसेजेस। देखिए, जो अनसीन पैसेज हैं उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम क्या रहता है कि जो पैराग्राफ दिया उसको बहुत तसल्ली पूर्वक अच्छे से पढ़ना चाहिए। जब आप तसल्ली पूर्वक अच्छे से पढ़ लें तो उसके आंसर आपको पूरे पैसेज में से ही मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर क्या रहता है कि ये जो पैसेज दिया हुआ है, इसके ये जो 3 क्वेश्चन दिए हैं वो आपको इसी में से ही फाइंड आउट करना है, ठीक है? देखिए, When I presented my first doctoral dissertation in Italy, one of the professors said, "Scholars learn a lot of certain subject, then they make a lot of false hypotheses, then they correct them, and at the end they put the conclusion. You, on the contrary, told the story of your research, even in including your trials and errors." At the same time, he recognized I was right and went on to publish my dissertation as a book, which meant he appreciated it. अब ये जो पैसेज दिया, जो अपन ने पैसेज पढ़ा है, एक्चुअल इसी पैसेज में से आपको ये 3ों क्वेश्चन के आंसर बताने, ठीक है? यहां पर अगर अपन बात करें तो पहले क्वेश्चन का आंसर अगर अपन देखें तो व्हाट वाज प्रेजेंटेड इन इटली, वो इटली में क्या प्रेजेंट करने के लिए गया था, तो पहली लाइन देखिए, अगर व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन इन इटली, तो यहां पर अगर अपन बात करें तो इसका आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन, ठीक है? इसका आंसर, जिसको जो आंसर आए वो अपना आंसर दे सकता है, ठीक है? अगर आपको किसी किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप कमेंट में अपने आंसर लिखते रहिएगा। चलिए आगे बढ़े, वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड कंक्लूजन। अगर यहां बात करें कि कंक्लूजन का अपन को क्या बताना है, वर्ब फॉर्म बनाना है, तो वर्ब फॉर्म के ये एस आई भी लगा है, इसके अलावा एन ए आर वाई लगा है, ये रिकॉग्नाइजिंग लिखा है और ये लिखा है कंक्लूडिंग, तो कंक्लूडिंग का रिकॉग्नाइजिंग तो होगा नहीं, तो आंसर ये कौन सी फॉर्म में है, फोर्थ फॉर्म में। तो ये वर्ब पूछा है तो वर्ब क्या बनेगा, कंक्लूडिंग।
अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपको कभी भी ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी क्या है, गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन नाउन पर गिवन है, आपको किस पर दिया है, नाउन पर, और आपसे वो क्या पूछ रहा है, वर्ब। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको गिवन है और गिवन में क्या होगा, नाउन पर आपको क्या पूछा है, वर्ब, वो भी कब, जब गिवन हो, तो इसकी संभावना कीजिए ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, इसकी संभावना कम है, 10% है। इसकी संभावना कैसी है, 10%। आप ये पक्का मान के जाइए कि अगर क्वेश्चन में, यानी पहले से जहां तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी के गाइडेंस में अगर आपको नाउन से वर्ब पूछा है, नाउन से क्या पूछा है, वर्ब, तो बोर्ड एग्जाम में ये पक्का है वो उल्टा पूछेगा, वर्ब से क्या पूछेगा, नाउन, और इसकी संभावना 90% तक हो जाती है। कितने परसेंट तक हो जाती है, 90% तक हो जाती है। आप सीधे सीधे तौर पर मान के चलेगा, आप किसी भी प्रोडक्ट से, किसी भी गाइड से तैयारी करिएगा, इवन आप पूरा चैप्टर भी पढ़िएगा, अगर आपको गिवन है कि उसने कहा कि नाउन से वर्ब बताओ, तो अभी जैसे अपन नाउन से वर्ब पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपने अच्छे कर्म किए हो तो यही का यही पैसेज आ गया, तो ये क्वेश्चन ज्यादातर याद रखिएगा चेंज हो जाएगा, और जब ये चेंज होगा तो क्या होगा कि नाउन से अगर यहां पर ये वर्ब पूछ रहा है और ये पैसेज अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो नाउन से वर्ब नहीं, वर्ब से नाउन पूछेगा ये आपसे, और इसकी संभावना कितने परसेंट हो जाएगी, 90% हो जाएगी। इसकी संभावना कितनी हो जाएगी, 90% हो जाएगी। तो जब भी आपको नाउन से वर्ब बनाना या वर्ब से नाउन बनाना अगर क्वेश्चन मिले तो दोनों याद करना, वर्ब से नाउन पूछे तो और नाउन से आपसे वर्ब पूछे तो भी, दोनों तरीके से आप इसको याद करके जाइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूं, याद करिएगा। अगर आपको गिवन है नाउन से वर्ब बताओ तो पक्का है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, याद रखिएगा कि अगर नाउन से वर्ब पूछ रहा है तो पक्का है वो आपसे बोर्ड एग्जाम में वर्ब से नाउन पूछने की संभावना बढ़ जाएगी। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, कंक्लूडिंग, अगर मान लीजिए कि ये बोर्ड एग्जाम में आ जाए, अगर ये बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो क्या होगा कि यहां जो कंक्लूजन लिखा है यहां क्या लिख देगा, कंक्लूडिंग लिख देगा, और आपसे कहेगा कि इसका नाउन फॉर्म बताओ, और ये वाला ऑप्शन जो है वो चार ऑप्शन में लिख देगा, तब आपको आंसर क्या बताना है, कंक्लूड। काश हमें पहले ही अगर इसका याद हो तो हम डायरेक्टली इसका टिक लगा सकते हैं। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको दिए हो तो देने की अपेक्षा कर जो बोर्ड एग्जाम में आएगा उसका उल्टा याद रखिएगा। अगर वर्ब है तो नाउन पूछेगा, और नाउन अगर वो आपको दे रहा है तो वर्ब पूछेगा, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिकॉग्नाइज्ड, अब ये अपने आप में क्या है, वर्ब, वर्ब है तो हमसे क्या कह रहा है कि आप इसका क्या बताइए, नाउन फॉर्म बताइए, तो रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइजेशन, और कंक्लूड, और नन ऑफ दिस, तो आंसर क्या होगा, रिकॉग्नाइज। अगर यहां ये वर्ब से नाउन पूछ रहा है तो पक्का है आपसे वो क्या कहेगा बोर्ड एग्जाम में, नाउन से क्या बताओ, वर्ब, क्योंकि इसने वर्ब से क्या पूछा है आपको, नाउन, और बोर्ड एग्जाम में उल्टा क्या हो जाएगा कि आप नाउन से क्या बताओ, वर्ब। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पर अच्छे से ध्यान करके जाइएगा, ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको आंसर आ रहे हैं उनके टिक लगाते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखिए आगे अगर अपन बात करें तो इसको समझिएगा, पैसेस को, पैसेस क्या है, सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 ईयर्स अगो द इंटरव्यू हैज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट विल हैव रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स। ये 130 साल पहले से क्या है बताया गया है कि 130 साल पहले के बारे में चर्चा की गई है।
कि जो इंटरव्यू है आज के टाइमिंग में हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है कभी ना कभी वो अपने जीवन में इंटरव्यू का जिक्र जरूर होता है या सुन देखता है। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, जबकि अदर साइड सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स, ठीक है ना, प्रत्येक साल कई सारे लोग इसको फेस भी करते हैं। सम ऑफ देम रिपीटेडली, कुछ लोगों के इंटरव्यू क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। सो इसलिए इट इज हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू ऑफ इट्स फंक्शन मेथड्स एंड मेरिट्स, ठीक है ना, वेरी कंसिडरेबल सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रा बैग एंड क्लेम्स फॉर इट बींग इट इज हाइएस्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इट इज प्रैक्टिस एंड आर्ट अदर्स। ये क्या है, एक आर्ट है एक प्रैक्टिस है। यूजली सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम्स माइट डिस्पाइट द इंटरव्यूज एज एन अनवॉरेंटेड इंट्रैक्शन इन टू देयर लाइफ्स। बहुत सारे लोग इसको क्या समझते हैं, अनवॉरेंटेड इंट्रैक्शन समझते हैं, यानी अनुचित हस्तक्षेप समझते हैं, नहीं लगता किसी को अच्छा कि हम इंटरव्यू को कभी फेस करें, और फील इट दैट इट सम हाउ डिमिनिशेस देम जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स इन बिलव्ड दैट इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल। प्राचीन कल्चर में यह कहा जाता है कि किसी की पिक खींच लेना उसकी आत्मा चुरा लेना जैसा था। इसके अलावा बीएस नायपॉल फील्स दैट सम पीपल आर बाउंडेड बाय इंटरव्यू। बीएस नायपॉल का कहना है कि कुछ लोग इंटरव्यू से घायल हो जाते हैं, इंटरव्यू एंड लॉस अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ, वो अपने जीवन का एक हिस्सा खो देते हैं। लुइस कैरल द क्रिएटर अलाइस इन वंडरलैंड वॉज सेड टू हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। लुइस कैरल ने कहा कि ये क्या है, एक हॉरर की तरह है, डर की तरह है। एंड अ नेवर कंसेंटेटेड टू बी इंटरव्यूड इट वॉज इज ऑरर ऑफ बींग लेनास्ट विच मेड हिम दस रिपेल वुड बी एक्वाटेंसेस एंड इंटरव्यूबर्स एंड द परसिस्टेंस पिटिनेनर्स फोर इज ऑटोग्राफ एंड ही वुड आफ्टर बर्ड रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग In silencing all such people with much satisfaction and amusement, मनोरंजन के लिए, ठीक है। चले अब इसके क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसके क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का आंसर आपको आए आप उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, द वर्ड एक्स्ट्रा बैगेंट मीन, एक्स्ट्रा बैगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्चा, फिजूल और ये खर्चा, तो एक्स्ट्रा बैगन मतलब फिजूल खर्चा, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, वेस्टफुल, ठीक है ना, फालतू का, ये क्या हो जाएगा, फालतू का, वेस्टफुल, तो आंसर क्या होगा, वेस्टफुल। अगला, व्हाट इज द वर्ड लाइनेस्ट मीन, तो यहां पर अगर अपन बात करें कि लाइनेस्ट क्या होता है, तो लाइनेस्ट का मतलब होता है चापलूसी करना या किसी की खुशामत करना, चापलूसी करना, चापलूसी या किसी की खुशामद करना, चापलूसी या किसी की खुशामद करना, तो इसका आंसर क्या होगा, कैजुअल। कैजुअल का मतलब आव भगत करना, आव भगत गिरी करना, ठीक है, आव भगत गिरी करना मतलब चापलूसी करना या उसकी खुशामद करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैजुअल। इसके बाद अगला, हु वॉज द क्रिएटर ऑफ अलाइस इन वंडरलैंड, वी एस नायपॉल, लुइस कैरल, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, ये तो इसके राइटर ही है। वी एस नायपॉल ने इंटरव्यू को निगेटिव माना था, तो यहाँ पर, और अम्बर्ट यूको जो थे वो द नेम ऑफ द रोज के राइटर थे, तो यहां पर आंसर क्या जाएगा, लुइस कैरल, क्या जाएगा, लुइस कैरल, तो आंसर क्या होगा, लुइस कैरल। इसके बाद द इंटरव्यू हैज बिकम अ पार्ट ऑफ जर्नलिज्म, क्या हो जाएगा, जर्नलिज्म,
तो आंसर क्या होगा? पहले का क्या है बेस्टफुल, दूसरे का क्या है कैजुअल, तीसरे का क्या है लुइस कैरल, और फोर्थ का क्या है द इंटरव्यू हैज बिकम अ पार्ट ऑफ जर्नलिज्म। तो आंसर क्या आ जाएगा? जर्नलिज्म। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखें इसी के ही है, ये इसी पैसेज में चलेंगे। हु फील्स बाय इंटरव्यू पीपल लॉस अ पार्ट ऑफ देम। किसने ऐसा फील किया था कि लोग बाग जब इंटरव्यू फेस करते तो अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा खो देते हैं? तो किसने कहा था? बी एस नायपॉल। किसने कहा था? वी एस नायपॉल। इसके बाद व्हाट इज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म के लिए सबसे कॉमन क्या है? इंटरव्यू। क्या है? इंटरव्यू, डिस्कशन, इंटरव्यू, टॉक्स या डिबेट, तो क्या है? इंटरव्यूज। इसके बाद मीनिंग ऑफ द वर्ड सेवरल। सेवरल का मतलब कई, या अपन इसको क्या कहेंगे? अनेक। इसको क्या कहेंगे? अनेक। तो आंसर क्या आएगा? मैनी। आंसर क्या आएगा? मैनी। मैनी का मतलब बहुत या कई, ठीक है। एंटोनियम ऑफ द वर्ड मेरिट। मेरिट का मतलब अच्छाई। मेरिट का मतलब अच्छाई, और एंटोनियम बताना है। एंटोनियम मतलब विपरीत बताना है। आपको क्या करना है? विपरीत बताना है। तो यहां पर अच्छाई का क्या होगा? उल्टा, बुराई। तो आंसर क्या होगा? डीमेरिट। आंसर क्या होगा? डीमेरिट। तो पांचवे का क्या होगा? वी एस नायपॉल। सिक्स का आंसर क्या होगा? इंटरव्यू। सेवन का आंसर क्या होगा? मैनी। और एट का आंसर क्या होगा? डी मेरिट। एट का आंसर क्या होगा? डी मेरिट। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखें इसके बाद अगर अपन थर्ड में बात करें तो रूडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस एन इवन मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड टुवार्ड्स द इंटरव्यूअर हिज वाइफ कैरोलिन, ठीक है ना। राइट्स इन हर डायरी फॉर 14th October 1892 दैट दियर डे वॉज अ रैग्ड बाय टू रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन। रैग्ड का मतलब बर्बाद कर दिया, बेकार कर दिया। उनका कहना मतलब कि जब मैं डायरी लिख रही थी तो दो रिपोर्टर आए और उन्होंने मेरा पूरा दिन बेकार कर दिया। सी रिपोर्ट्स आर हस्बैंड, और उन्होंने हस्बैंड से कहा एज सेइंग टू द रिपोर्टर, जैसा कि रिपोर्टर ने उनसे बोला। वाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यू बिकॉज इट इज इमोरल, क्योंकि ये अनैतिक है, इट इज अ क्राइम है, जस्ट एज मच ऑफ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन एज एन असल्ट एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट इट इज कवार्डली एंड वाइल। नो रेस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट मच लेस गिव इट, येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ पर प्रेटेटेड सच एज एजल्ट ऑन मार्क ट्वेन ओनली अ फ्यू ईयर्स बिफोर। यानी रूडयार्ड किपलिंग कहते कि मैंने मार्क ट्वेन के साथ कुछ समय पहले क्या किया था? इंटरव्यू फेस किया था। पर प्रेटेट का मतलब होता है किसी चीज को फेस करना। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या है? हु एक्सप्रेस कंडेमनेटरी एटीट्यूड टुवार्ड्स द इंटरव्यू, तो कौन था? रूडयार्ड किपलिंग। आंसर क्या होगा? रूडयार्ड किपलिंग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट डज द वर्ड बाइल। बाइल का मतलब होता है नीच, या अपन कहेंगे तुच्छ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इग्नोरेबल। क्या होगा? इग्नोरेबल, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इग्नोरेबल। इसके बाद अगला एंटोनियम ऑफ द वर्ड ऑफेंस। ऑफेंस अपराध। ऑफेंस क्या होगा? अपराध। ऑफेंस क्या होगा? अपराध। तो यहां इसका आंसर क्या होगा? डिफेंस। आंसर क्या होगा? डिफेंस। इसके बाद अगला हु वॉज द वाइफ ऑफ रूडयार्ड किपलिंग। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर कमेंट में आप लोग बताइए। आंसर आप लोग लिखिएगा।
आंसर क्या होगा? कैरोलिन। सही है, आंसर क्या होगा? कैरोलिन। ठीक है, CAROLINE, कैरोलिन। आगे बढ़ा जाए, देखें आगे अगर अपन बात करें तो आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है? हु एक्सप्रेस, ये तो यही का यही है, कोई बात नहीं। अच्छा थोड़े बहुत चेंजेस है, देखिए हु वॉज द वाइफ, हु राइट्स द डायरी, डायरी कौन लिख रहा था? तो डायरी कौन लिख रहा था? कैरोलिन। कौन लिख रहा था? कैरोलिन, जो कि रुडयार्ड किपलिंग की कौन थी? वाइफ। कौन थी? वाइफ। ये क्या थी? वाइफ। मीनिंग ऑफ द वर्ड एजल्ट, अब एजल्ट की अगर अपन बात करें तो एजल्ट का मतलब होता है किसी पर आक्रमण करना, ये क्या होता है? आक्रमण करना। तो आक्रमण करना मतलब क्या हो जाएगा? अटैक। क्या हो जाएगा? अटैक। तो आंसर क्या होगा? अटैक। आंसर क्या कहलाएगा? अटैक। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर अपन आगे देखें तो अगला पढ़िएगा, देखिए अगला क्या दिया है? अम्बर्टो इको के बारे में। अब अम्बर्टो इको हमें क्या समझाते हैं वो देखिएगा। ये जो पैसेज है, इस पैसेज को आप लोग अच्छे से पढ़िए, इस पैसेज को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा एक बार। क्योंकि इसके आंसर आप ही लोगों को देना है।
स्टडी किया? चलिए देखिए, इसके बाद अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन का है, आप लोगों ने स्टडी कर लिया ये बहुत है, क्योंकि काफी सारे अनसीन पैसेज हुए हैं, तो आप इसको स्टडी करके आप कितने बेहतर जवाब दे सकते हैं ये आपके ऊपर है। अदरवाइज मैं आपको कंप्लीट करा ही सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए, पहले का आंसर आप ही बताइए क्या होगा, पहले का आंसर आप लोग बताइए क्या हो। पहले का आंसर, कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नोवल ऑन, कौन से दिन लिखते थे, मंडेस, ट्यूसडे, फ्राइडेस या संडे? तो आंसर क्या बताया आप लोगों ने, संडे। सेकेंड का आंसर बताइए, सेकेंड का आंसर बताइए क्या होगा, सेकेंड का आंसर मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है आध्यात्मिक। इसका मतलब आध्यात्मिक, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। बहुत बढ़िया। अगला, द नेम ऑफ द नोवेल रिटन बाय अम्बर्टो इको वॉज, अम्बर्टो इको ने जो नोवेल लिखा था उसका नाम क्या था? द नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द लोटस, द नेम ऑफ लिली, नन ऑफ दिस। तो क्या था? थर्ड का आंसर क्या होगा, द नेम ऑफ द रोज। आंसर क्या होगा, द नेम ऑफ द रोज। हु वॉज अम्बर्टो इको, अम्बर्टो इको कौन थे, यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो आंसर क्या होगा, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। बहुत बढ़िया। द नेम ऑफ द रोज इज ब्लैंक नोबेल, जो द नेम ऑफ द रोज था वो किस प्रकार का नोबेल था, फनी था, बोरिंग था, सीरियस था या मिस्ट्री था? तो कैसा था ये, सीरियस। कैसा था, सीरियस। तो आंसर क्या होगा, फिफ्थ का सी। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, आज अपन ने जो प्रोज का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7, द इंटरव्यू, किसने लिखा था, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। तो इंटरव्यू को अपन ने पूरा टॉपिक भी अच्छे से पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चन आंसर भी किए, और आज हमने उसके अनसीन पैसेज भी कंप्लीट किए। तो इस तरह से आपका पूरा चैप्टर, चैप्टर से लेकर क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चन आंसर के बाद अनसीन पैसेज तक पूरा ओवरऑल क्लियर हो चुका है। आप इसको अच्छे से याद करिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप दोबारा से भी पूछ सकते हैं। क्लियर किया जाए?